नमस्कार साथियों, मैं नवरतन आपका एनएच पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं, जो नायक समाज की गोत्र है उनके नाम पे जो गांव बसे हुए हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे कि कौन सा गोत्र पे कौन सा गांव बसा हुआ है और कौन सी गोत्र के पूर्वज कहाँ के ठिकानेदार थे। और आज इसमें आपको एक बुक भी बताऊँगा जिसमें इसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है, क्योंकि एक साथी ने कमेंट किया था यूट्यूब पे कि हमें मतलब जो भी वीडियो बनाओ उसका मतलब कुछ ना कुछ हिंट दिया करो ताकि हम भी उस चीज़ को उस चीज़ पे रिसर्च कर सकें। तो इस बुक का मैं नाम भी बताऊंगा, उस पर आप एक बार अगर बुक किसी के पास मिल जाती है तो उसमें आप रिसर्च ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में दबा दीजिए बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट करके ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट कर ज़रूर बताना कि आज का वीडियो है जो आपको कैसे लगा। तो दोस्तों, बुक का नाम है मुणोत नैणसी री ख्यात। प्राचीन ग्रंथ मुणोत नैणसी की ख्यात में वर्णन है कि मेवाड़ में प्रथम और द्वितीय तामजी ठिकानों के अलावा तीसरे दर्जे के तामजी ठिकाने भी थे। वे ठिकाने थे बामणिया, डगलांका खेड़ा, लीडिया खेड़ा, चावड़िया और खूंटिया, ठिकरिया, कोलियारी, डेडिया और जागटिया, बसाना, सरवारिया, रोज, आंगरिया, गोडियाला, कटारा, गुड़िया, टकोटिया, सोनना, मईडा, धोरण, बरांडा, मकवाना, लांबा, सोलज, कड़वा, बिलाला। ख्यात में बताए गए ये उपरोक्त ठिकानों के नाम भी है तो साथ ही नायकों के गोत्र के नाम है। आज भी इन गोत्रों के नायक जहां भी रहते हैं वे सभी प्राचीन काल में यहां से उठे हुए हैं। प्राचीन काल में उनके पुरखे यहाँ के ठिकानेदार थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतनी जानकारी। मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए एनएच पॉइंट यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।